इस्लाम से दीनी मुताल्लिक हर मालूमात। तरह की वीडियोस देखने के लिए दीनी मालूमात चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान को एक बार जरूर दबाएं ताकि जब भी हम नई वीडियो डालें वो आप तक पहुंच जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमजान का महीना चल रहा है तो रोजे के मुताल्लिक एक मसला बताना बहुत ही जरूरी समझता हूँ, क्योंकि न बताया जाए तो हो सकता है कि आपका रोजा न हो, आपका रोजा बर्बाद हो जाए। इसीलिए मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ ये बताना। तो बहरहाल बात यह है कि इफ्तारी और सहरी इसके मुताल्लिक ये मसला है। बाज़ हज़रात जो हदीसें आई हैं, हदीस में वारिद है कि इफ्तारी में तुम जल्दी किया करो और सहरी में ताखीर करो, और बाज़ हज़रात जो है अजान होती रहती है और खाना पीना करते रहते हैं। कहते हैं कि हदीस है, जैसा कि अबू दाऊद शरीफ में हदीस है कि जब अजान हो तो तुम खाते रहो, अजान जब होती है तो तुम खाते रहो, हदीस है। तो इस तरह की बातें हैं। मैं इंशाल्लाह इन तमाम बातों की मुकम्मल वजाहत करूंगा, मुकम्मल बात सामने रखूंगा। सबसे पहली बात आप ये समझें कि कुरान की आयत है, वकुलू वशरबू हत्ता यतबयन लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वदि मिनल फजरी तुम अतिमुस्सियाम इलल लैल। सूरह बकरा खोलकर देखिएगा, सफर आयत नंबर 187 पे। और मसला जो बताऊंगा अभी आपको, हिदायत में देखें जिल्द नंबर 1 सफर नंबर 205 पे, तिर्मिज़ी शरीफ में हदीस मौजूद है जिल्द नंबर 1 सफर नंबर 150 पे, बुखारी शरीफ में एक हदीस मौजूद है हदीस नंबर 623 खोलकर देखिए, मुस्लिम शरीफ में भी एक हदीस है हदीस नंबर 1092। इन तमाम बातों को सामने रखता हूँ, हवालात को आप भी सामने रखेंगे तो यही बात मिलेगी जो मैं अभी आपको बताऊंगा। बात यह है, रोजा शुरू कब से होता है और उसका आखिरी टाइम कब तक है, इस कुरान की आयत में बिल्कुल साफ है, सरीह अल्फाज में अल्लाह ताला ने रोजे को शुरू करने का वक्त और रोजे के खत्म का वक्त कुरान से, ये बात कुरान से कर रहा हूं, अल्लाह ने कुरान में बताया कि रोजे का वक्त फलां टाइम से शुरू होगा, फलां टाइम में खत्म हो जाएगा। ये मसला कुरान से है। कहां से है? रोजा कब शुरू होता है? रोजे का टाइम शुरू होता है सुबह सादिक से। जैसे ही सुबह सादिक हो जाए आपका रोजा शुरू हो गया, रोजे का टाइम आपका फौरन शुरू हो गया जैसे ही सुबह सादिक हो जाए, क्योंकि सुबह सादिक से रोजे का टाइम शुरू, और रोजे का आखिरी टाइम जैसे ही गुरूब आफ्ताब हो। कुरान की आयत मैंने पेश की है, कुरान से बता रहा हूं, रोजे का शुरू टाइम होता है जब रोजा शुरू होगा तो जो है रोजे का जो वक्त शुरू होता है ये सुबह सादिक से तुलुए जो है गुरूब आफ्ताब तक, सूरज के डूबने तक, जब सूरज डूबेगा तो आपका रोजा वहीं से मुकम्मल हो गया। तो अब रोजे के वक्त में अगर कोई खाना खाएगा, जानबूझकर खाता है या पीता है रोजे के याद होते हुए, क्या उसका रोजा होगा? नहीं होगा, क्योंकि जानबूझकर खा रहा है तो रोजा उसका नहीं होगा। अब यहां पर समझें, इफ्तारी में जो जल्दी करने का हुक्म दिया गया है और सहरी में ताखीर करने का जो हुक्म आया है कि इफ्तारी जल्दी करो, सहरी में ताखीर करो, इसका मतलब क्या है? जब हदीसों को सामने रखेंगे तब आपका मसला हल होगा। इससे पता चलता है कि जो इफ्तारी में जल्दी करने का हुक्म है कि ग़ुरूब आफ्ताब, सूरज डूबता है, मिसाल के तौर पर मिसाल दे रहा हूं, 6 बजे, कोई रोजा खोल रहा है 7 बजे, कि हो सकता है सूरज नहीं डूबा होगा, हो सकता है कि मैं एहतियात कर लूं आधा घंटा 1 घंटा, तो इसके लिए मना किया गया है कि ताखीर मत करो, इफ्तारी में ताखीर मत करो, देर मत करो, जैसे ही सूरज गुरूब हो जाए फौरन तुम इफ्तारी कर लिया करो, ये बताया गया है। इफ्तारी में जल्दी करो, जल्दी करने का यही मकसद है। जो यहूदी वगैरह थे, जो है गैर मुस्लिम वगैरह जो रोजा रखते हैं, वो खास करके यहूदी, वो जो है इफ्तारी करने में लेट करते थे, देरी किया करते थे, एहतियात के तौर पर आधा घंटा 1 घंटा लगा दिया करते थे। तो इसीलिए अल्लाह के नबी ने कहा कि नहीं, जैसे सूरज डूबेगा ऐसे ही तुम फौरन इफ्तारी करोगे, जल्दी करने का यही मकसद है, यही मतलब है। और सहरी में ताखीर करने का मतलब, सहरी में ताखीर करने का मतलब यह है कि जब तुलुए आफ्ताब हो, जो है सुबह सादिक, तुलुए आफ्ताब नहीं, सुबह सादिक, जब सुबह सादिक का वक्त हो जाए उसी से पहले पहले तुम खत्म कर लिया करो। ऐसा न हो कि सुबह सादिक यानी सहरी का आखिरी टाइम 4 बजे होता है, मिसाल दे रहा हूं, 4 बजे सहरी का आखिरी टाइम है,
और तुम खाना खा रहे हो, सहरी कर रहे हो रात के 1 बजे, रात के 12 बजे या 2 बजे तुम खाना खा के सो जाते हो, ये जो है ताखिर नहीं, ये तुम जल्दी कर रहे हो सहरी में। इसीलिए अल्लाह के नबी ने कहा कि सहरी में तुम ताखिर करो, यानी जो सूरज जो है तुलुए जो है आपका सुबह सादिक का जो टाइम है उसी के करीब करीब तुम कर लिया करो। ऐसा न हो, ये मत समझिए ताखिर का मतलब यह है कि अगर सुबह सादिक जो है 4 बजे हो तो हम 4:15 तक खा सकते हैं ताखिर, नहीं, ताखिर का ये मतलब नहीं। ताखिर का मतलब यह है कि सुबह सादिक से पहले पहले तक खाना वगैरह बंद कर दो, और इतने भी जल्दी मत खाओ कि सुबह सादिक को अभी 1 घंटा बाकी है, तुम जो है अभी अभी 2 घंटा पहले 3 घंटा पहले खाना खा चुके हो। तो ये है ताखिर का मतलब। और दूसरी बात, हदीस में जो आया है अजान के वक्त पानी पी लेने की जो है बात आई है, अजान के वक्त खाना वगैरह खाना कहते हैं हदीस में है, तो अजान जब हो तो तुम खाना खा सकते हो। याद रखिएगा, ये भी धोखा दे रहे हैं आपको, ऐसी कोई बात नहीं। असल में हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तहज्जुद के लिए अजान दिया करते थे। बाज़ उलमा ने कहा कि सहरी के लिए अजान दिया करते थे। तो बहरहाल बात यह है कि उस वक्त 2 अजान होती थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में। अब यहां पर एक सवाल उठता है, जब हुजूर के जमाने में होती थी तो हम क्यों अजान नहीं देते? हमें भी चाहिए कि हम 2 अजान दें, एक तहज्जुद के लिए अजान दें, एक जो है सहरी के लिए अजान तहज्जुद के लिए अजान दें, और एक अजान जो है हम नमाज के लिए दें सुबह की नमाज के लिए, हम क्यों नहीं कहते हैं? इसका जवाब भी मेरे पास मुस्तकिल, अगर आपको जरूरत हो मुस्तकिल इसका जवाब दिया जाएगा, आप राबता करिएगा ताकि इस बात को लेकर कोई गुमराही पे न आ जाए। तो बहरहाल ये अर्ज कर रहा था, असल बात यह कि ये मनसूख है, जो तहज्जुद की अजान है वो मनसूख है, दलाइल मौजूद है मेरे पास। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जो अजान के वक्त खाने का पीने का जिक्र आया है हदीस में, वो अजान तहज्जुद की अजान है, और तहज्जुद की अजान सुबह सादिक से पहले होती है, सुबह सादिक के बाद नहीं। इसीलिए दूसरी हदीसों में आया है कि जब इब्ने उम्मे मक्तूम अजान दें तो खाना पीना बंद करो, क्योंकि वो सुबह सादिक के वक्त अजान दिया करते थे। अब यहां बात समझें, अगर सुबह सादिक के बाद रोजे के याद होते हुए जानबूझकर एक घूंट भी पानी पी लेंगे, एक लुकमा भी खाना खा लेंगे, आपका रोजा नहीं होगा। क्यों? कुरान कह रहा है कि सुबह सादिक के वक्त से तुम्हारा शुरू हो गया रोजा, अब तुम खा रहे हो तो रोजा कहां होगा तुम्हारा? कुरान कह रहा है। और हदीस में जो अजान के वक्त खाने पीने का जिक्र आया है वो सुबह सादिक से पहले वाली अजान है, लिहाजा उस वक्त खाने पीने की इजाजत है, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब जो अजान होगी सुबह सादिक वाली अजान होगी, यानी जो है फजर की अजान होगी, तहज्जुद की अजान सहरी की अजान नहीं होगी, क्योंकि वो मनसूख है। तो बहरहाल समझने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह बात समझेंगे। यहाँ मेरे बताने का मकसद ये था कि बाज़ हजरात अजान होती रहती है खाते रहते हैं, समझते हैं कि अजान होती हो तो खा लो, अजान हो रही तो पानी भी पी लो रोजा हो जाएगा। याद रखें वो अजान सुबह सादिक से पहले वाली अजान मुराद है। अगर आपके वहां पर आपके महल्ले में आपके गांव में सुबह सादिक के बाद अजान होती है, सुबह सादिक यानी जो है सहरी का आखिरी टाइम जो है उसके बाद अगर अजान होती है तो उसके बाद अगर आप खाएंगे या पिएंगे आपका रोजा खत्म, रोजा नहीं हुआ। ऐसे ही बाज़ ज़रात समझते हैं कि इफ्तारी में जल्दी करने का मतलब यह है कि जब सूरज डूबने के करीब करीब हो, डूबा ना हो तो उससे पहले पहले तुम इफ्तारी कर लो, जल्दी करने का ये मतलब है? नहीं, ये मतलब नहीं है। मतलब वही है जो मैंने बताया है। अल्लाह ताला हम तमाम को सही बात समझने की तौफीक अता फरमाए, सही मसला समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। इस्लाह उम्मत के लिए YouTube पर चलाया जाने वाला दीनी तरबियती व इस्लाही चैनल, आप इस दीनी मालूमात चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाले निशान को एक बार जरूर दबाएं। अगर आप मसला मसाइल पूछना चाहें तो कमेंट में जरूर पूछें, उसका जवाब मुस्तकिल वीडियो बनाकर दिया जाएगा। उसके अलावा इस चैनल में उलमाए इकराम के बयानात, हमदोनात, ख्वाबों की ताबीरें, अकाबिर के मुजर्रफ वज़ाइफ और इस्लाम से मुतालिक हर तरह की वीडियोज पा सकते हैं।